नमस्कार दोस्तों, मैं सेबेस्टियन तिर्की, चेयरमैन आदिवासी कांग्रेस, और हम निकले हैं एक दिवसीय रंगत तक की यात्रा के लिए। आज हम लोग, मेरे साथ है, मैं जिसके साथ आया हूँ, हमारे साथ है हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री रंगलाल हलदर जी, और हमारे कंपनी कमेटी चेयरमैन भास्कर जी, एंड वार्ड नंबर 14 के काउंसिलर जोगा जी, और हमारे कांग्रेस के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साजी भाई। तो हम खड़े हैं बाराटांग से जस्ट आगे, नॉर्थन मिडिल जो रास्ता जाता है, ये NH4 है, और चुनाव का समय आ गया है। और अभी भी हमारे सड़क की हालत जिस तरह से है, जिसमें गड्ढे और जिस तरह से पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस NH की बात करती है, जिस विकास की बात करती है, विकास की राजनीति की बात करती है, द्वीप में विकास की बात करती है, तो मैं चाहूँगा कि आज हम सड़क पे खड़े हैं। तो मैं PCC अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि सड़क के बारे में कुछ हमारे जनता को अवगत कराए, नॉर्थन मिडिल की जनता के साथ साथ पूरे अंडमान का जनता, कैम्बल बे से डिगलीपुर की जनता देख सके कि नॉर्थन मिडिल में NH4 का क्या हाल है और जनता कैसे इस पे अपना आवागमन करती है। तो मैं चाहूँगा PCC महोदय दो शब्द हमारे NH4 के ऊपर बोले। नमस्कार सभी, आज हम लोग यहाँ पर बाराटांग के यहाँ पे अंदर में कुछ जगह में NH4 में हम लोग खड़े हैं। हम ये देखने चाहता है कि हाल है, इतना इश्यूज इस रोड के बारे में, NH4 के बारे में हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, कुछ भी किया, लेकिन आज तक जो है धरातल में कोई काम नहीं हुआ। अगर ये परिस्थिति आप देखो रास्ता का, ये रास्ता चलने का लाइक नहीं, एक इंसान चल नहीं सकता तो गाड़ी कहाँ से चलेगा। और ये परिस्थिति और भी थोड़ा दिन बाद जो है, जब ये बारिश आ जाएगा, इस गड्ढे से कोई बस, कोई गाड़ी, कोई जाएगा, कुछ भी जा नहीं सकता है। ऐसा परिस्थिति हो जाएगा यहाँ पे कि चलने तो चलने का दूर बात है, ये रास्ते ही कटअप हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सोया पड़ा है, NH4 का ऑफिसर सारा सोया पड़ा। देखिए बोल्डर, देखिए देखिए साइड में गड्ढा, देखिए ये कहाँ से, ये NH4 है, ये NH4 है, ये गड्ढा को देखिए, ये इसी तरह रास्ता में चल रहा है। कितना तकलीफ है जनता का कि ना मेडिकल जा सकता है, ना कोई जगह में आवाजाही कर सकता है। ऐसा परिस्थिति में BJP सरकार रखा है। ये आने वाला समय में हमारा जितना भी आवाज़ था, लेकिन ये आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन अनदेखी किया है, जिसका फलस्वरूप जो है आज NH4 आपका ये परिस्थिति देख रहा है। ऐसा परिस्थिति होगा तो देश कहाँ से चलेगा। इसलिए सभी अंडमान वासी, हमारे नॉर्थ मिडिल अंडमान के हम निवासियों से हमारा अनुरोध है, ये इसके ऊपर में आप सचेतन होइए, क्योंकि जो पार्टी दिलासा दिया कि भाई हम रास्ता बनाते हैं, हमारा 3,500 करोड़ रुपया जो है खर्च हुआ इस रास्ता के ऊपर में, खर्च हुआ 3,500 करोड़, लेकिन पैसा खर्च हो गया, आपका रास्ता नहीं बना है। ऐसा परिस्थिति में हम लोग को लेके खड़ा कर दिया नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोगों को। तो इसलिए सब जान जाइए कहाँ सच्चाई है, ये सच्चाई को आपका सामने आंखों देखी मैं दिखाता हूँ कि आप लोग क्या परिस्थिति होगा अंडमान का। अगर इस तरह पार्टी अगर देश शासन करेगा तो हमारा क्या परिस्थिति होगा। ये खाली जुमलाबाजी का सरकार है, ये कोई ये करप्शन का सरकार है, ये कोई काम करने का सरकार नहीं है। इसलिए आप सब जागृत रहिए। मैं चाहूँगा हमारे कंपेनिंग कमेटी चेयरमैन TSG भास्कर जी, वो भी इस विषय में अपना बात रखिए। तो भास्कर जी, आप सबका नमस्कार। आप देखिए ये सड़क का हालत है, एक सड़क का इतना बड़ा बुरा हालत है, पीछे गाड़ी आ रहा है, जो गाड़ी 6 महीना में टायर चेंज होता, अभी 3 महीना में टायर चेंज होता, वो किसके ऊपर बोझ आएगा, मिडिल नॉर्थ का जो वासी है उसके ऊपर बोझ आएगा, मिडिल नॉर्थ अंडमान का जो वासी है। हाल ही में कट ऑफ होने का सिचुएशन आ गया था, डीजल गाड़ी नहीं आएगा बोल दिया, इन लोग नहीं जाएगा बोल दिया, खाना पीने का जो सामान आता था उन लोग नहीं जाएगा बोल दिया, वो परिस्थिति आ गया था। आप देखिए ये जो एक स्मॉल स्ट्रेच है, हम लोग आज बाराटांग से हम लोग पार हुआ, करीबन यही हालत है रोड का। एक गड्ढा देखिए, साइड में बोल्डर डाल के रखा, अगर अंधेरा में ये बोल्डर के ऊपर गाड़ी चढ़ेगा, गाड़ी पलटी हो जाएगी, ये सिचुएशन। ये गड्ढा देखिए, करीबन 1.5 फीट के ऊपर गड्ढा ये साइड में, ये परिस्थिति का जो
का टायर का हालत देखिए, गाड़ी का टायर का हालत देखिए, गाड़ी कैसा जा रहा देखिए। ये अभी सूखा का टाइम है, बारिश का टाइम है, आप लोग बोलने का जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा समस्या है और बीजेपी वाला बोल रहा कि सड़क बन गया। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो में लोग इंटरव्यू दिया कि बोला थोड़ा थोड़ा खराब है। नहीं, गलत बात है, थोड़ा थोड़ा ही बना है। आज आप लोग मिडिल नॉर्थ अंडमान वासियों को ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हम लोग कांग्रेस पार्टी ने 3 बार हम लोग धरना किया, फिर भी ये हालत है। आज हम लोग का संघर्ष करने का टाइम आ गया, हम लोग संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाए कि आज प्रेजेंट सिचुएशन जो आज की परिस्थिति रोड की है, ये हम दिखाने की कोशिश किए, क्योंकि बीजेपी पार्टी मीडिया में कुछ बोलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलती है, अपने कागजात में कुछ बोलती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज रास्ते पे गड्ढा नहीं है, गड्ढे पे रास्ता हो चुका है। यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सड़क अच्छी बनी हुई है, बुरा हालत है। और ये समझना पड़ेगा, जो विकास की राजनीति करते हैं, जो विकास की बातें करते हैं, वो अंडमान निकोबार में देख सकते हैं कि अंडमान का विकास हुआ नहीं है, आज विकास विनाश की ओर चले गया है। ये परिस्थिति अंडमान में ला के रख दिया है। और हमारे तरफ से, मैं पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे द्वीपवासियों को बोलता हूँ, ये इनकी सच्चाई है, इसको मान के चलिए। जैसा रोड है वैसा अंडमान होने वाला है, इसलिए आप आवाज़ उठाइए एकजुट होकर, ताकि हम विकास की ओर ले जा सके। जय हिंद, जय कांग्रेस।